Hello everyone! Welcome to Magnet Brains. How is everyone? Sablok badi hai. Today we are going to start a new story. What's the name of your story? Little Tiger, Big Tiger. I am Tessana Jones, and let's move to the story. Did you see the author's name? Lewis Hamilton Fuller. Lewis Hamilton. फुलर ठीक है अब ये स्टोरी किसके बारे में है एक बेबी टाइगर के बारे में और एक मम्मा टाइगर के बारे में व्हाट्स अ बेबी टाइगर कॉल्ड बेबी टाइगर को क्या बोलते हैं कब अ टाइगर कब सी यू बी कब ठीक है नाउ वी शैल लिसन टू द स्टोरी दे वॉज मादर टाइगर एंड अ स्मॉल टाइगर कब दे लिफ्ट नियर अ रिवर इन अ शेरडी जंगल एक मम्मा टाइगर है और एक बेबी टाइगर है बेबी टाइगर को क्या बोलते हैं कब क्या बोलते हैं कब ठीक है अब मम्मा टाइगर और बेबी टाइगर कहाँ रहते है शेरडी जंगल में शेरडी जंगल मतलब बहुत घना जंगल जहा बहुत सारे ट्रीज हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं ठीक है यह है शेडी जंगल वेन द स्काई वॉज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड जो बेबी um, टाइगर है वो मम्मा टाइगर के आस पास आस पास आस पास घूमता रहता था चाहे मम्मा टाइगर कहीं पर भी जाए बेबी टाइगर मम्मा टाइगर के साथ साथ रहता था मम्मा टाइगर क्या करती थी वेन द स्काई वॉज डार्क मतलब रात के टाइम द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग डियर मतलब हिरण आपने हिरन देखा है हिरन डियर एंड पिग मम्मा टाइगर हंटिंग पे जाती थी कब रात में जब सब सो जाते थे और बेबी टाइगर क्या करता है मम्मा के पीछे 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 मम्मा टाइगर जहां पे भी जाती है ज़्यादा था साथ में ओके वेन द लंगूर मंकी सौह ही कॉल्ड आउट और लाउड हार्श कॉल पहला एनिमल का नाम क्या है हमारे पास लंगूर मंकी लंगूर मंकी देखा है आपने लंगूर देखा है जिसका फेस रेड होता है देखा है होता है लंगूर मंकी सो ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल लंगूर मंकी ने जैसे ही टाइगर को देखा उसने चिल्ला के बोला क्या बोला वॉच आउट टाइगर इज कमिंग सब लोग ध्यान दो टाइगर आ रहा है द सांबर डियर बिलोड द काकर डियर बार्ड एंड समाइम्स द गेम गॉट अवे अब यहां पे देखो सांबर डियर सांबर डियर एक टाइप ऑफ डियर है ये दिख रहा है दिख रहा है ना सांबर डियर क्या आवाज निकलता है बिलोड बिलोड मतलब ऐसे एकदम श्रीक आवाज बहुत चिल्लाने का आवाज ताकि दूर दूर तक सबको सुनाई दे कि टाइगर आ रहा है द काकर डियर बार्ट काकर डियर की वॉइस को क्या बोलते हैं बार्क और कौन सा एनिमल है जो बार्क करता है डॉग डॉग बार्क करता है ना वैसे ही काकर डियर भी बार्क करता है एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे अच्छा गेम गॉट अवे इसका क्या मतलब है मतलब टाइगर के हाथ से शिकार छूट जाता था जब सारे जानवर ऐसे आवाज करेंगे तो टाइगर आ रहा है ये तो सबको पता चल जाएगा ना तो कभी कभी टाइगर जिस एनिमल का शिकार करने जा रहा होता है वो भाग जाता है सो गेम गॉट अवे मतलब शिकार हाथ से निकल गया ठीक है शी हंटेड डैम फॉर जंगल फाउल फॉर फैसंस एंड फॉर फ्रॉग जब एनिमल्स हाथ नहीं लगते थे तो मम्मा टाइगर क्या करती थी जंगल फाउल जंगल फाउल मतलब फाउल मतलब हेन जैसा एक बर्ड ठीक है आपने हेन देखा है ना वैसा ही हैन जैसा बर्ड लेकिन वो जंगल में मिलता है ऐसे बाहर नहीं मिलता है ठीक है फैसन फैसन भी एक टाइप ऑफ बर्ड है ये सब बर्ड्स के नाम बता रहे हैं एंड फॉर फ्रॉग जब बड़ा चीज हाथ नहीं लगता था तो मम्मा टाइगर क्या करती थी फ्रॉग को पकड़ने जाती थी और वेंट टू द रिवर फॉर फिश अब अगर फ्रॉग भी नहीं मिल रहा तो क्या करेगी फिश के पीछे जाती थी टाइगर को हंटिंग करते हुए देखा है आपने देखना धीरे 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 जाके एकदम जाके पकड़ लेती है वैसे ही अब जब उसको लंगूर नहीं मिला सांबर डियर नहीं मिला काकर डियर नहीं मिला फिर कौन नहीं मिला जंगल फाउल फेसेंट फ्रॉग जब कुछ नहीं मिला तो मम्मा डियर क्या करती है फिश के पास जाती है बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट लेकिन जो मम्मा डियर है मम्मा टाइगर है वो डेली हंटिंग नहीं करती थी आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ तब हंट करते हैं जब उनको भूख लगती है वो हमेशा हंट करके रखते नहीं हैं या फिर अपने मजे के लिए कभी हंटिंग नहीं करते वाइल्ड एनिमल्स कब हंट करते हैं वैन दे आर हंग्री ओनली वेन दे आर हंग्री सिर्फ जब वो भूखे होते हैं ठीक है इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन हमने पोएम में डॉन डास्क पढ़ा था ना क्या था उसका मतलब कौन से पोएम में पढ़ा था ट्रेन ओके डॉन मतलब सुबह होने से थोड़ा टाइम पहले मतलब सनराइज होने ही वाला होता है तब कब ऐसा कब होता था जब फुल मून होता है जब बहुत प्यारा सा बड़ा सा मून होता है हर जगह रोशनी होती है तब मम्मा टाइगर क्या करती है मम्मा टाइगर रेस्ट करती है मम्मा टाइगर तब हंटिंग पे नहीं जाती है. वो आराम से रेस्ट करती है उसके बाद जब सूरज राइज होने वाला होता है तब वो धीरे धीरे हंटिंग पे निकलती है शी ट्विस्ट द टिप ऑफ अ टेल एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन अ टेल अगेन एंड अगेन ट्विस्ट मतलब मोड़ना टेढ़ा मेरा करना मम्मा टाइगर अपने टेल को ट्विच करती थी एंड टाइगर कब उसमें खेलता था पाउंड्स मतलब ऐसे करना ठीक है आपने देखा है ना छोटे छोटे पपीज या फिर छोटे छोटे एनिमल के बेबीज जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं ना दैट्स कॉल्ड पाउंसिंग इफ यू वेंट फार अवे द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विथ अ लो क्वाइट ग्रांट अगर खेलते खेलते हमारा जो बेबी टाइगर है वो कहीं चला जाए ज़्यादा दूर नहीं थोड़ा सा दूर चला जाए तो ममा टाइगर क्या करती थी आवाज़ करती थी धीरे से ताकि टाइगर को समझ में आ जाए कि मैं दूर जा रहा हूँ मम्मी बुला रही है मुझे वापस जाना है ठीक है द टाइगर कप केम बैक बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट टाइगर कब वापस तो आ जाता था देख सुन के जब मम्मी उसको करके बुलाती थी तब बेबी टाइगर आ तो जाता था बट उसको अच्छा नहीं लगता था उसको बाहर घूमना पसंद था उसे रात के टाइम मम्मी के पास जंगल में लेटना अच्छा नहीं लगता था आपको अच्छा लगता है मम्मी आपको घर में बंद कर दे तो नहीं ना वैसे ही टाइगर का बेबी जो है उसको भी बाहर जाने का था वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड एंड क्लोज यर आईज द टाइगर का टाइनी फ्रॉग हॉपिंग अलॉन्ग दी ग्राउंड एक दिन मम्मा टाइगर थक गई बहुत काम किया होगा शायद मम्मा टाइगर ने उस दिन तो मम्मा टाइगर सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ मम्मा टाइगर बस अपनी आँखें बंद किया और जो बेबी टाइगर है उसने देखा कि ममा टाइगर तो सो गई एंड उसने में ही एक छोटा सा फ्रॉग देखा जो उछल रहा था मतलब कूदना फ्रॉग को देखा है ना एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते तो बेबी टाइगर ने क्या किया टाइगर बट फ्रॉग टाइगर कब धीरे धीरे आया और उसने फ्रॉग के ऊपर पाउंस किया लेकिन फ्रॉग जंप करके चला गया एंड इट एंड टर्न टू शो हिज मदर बट शी वॉज नॉट इन साइट अब क्या हुआ टाइगर का बेबी इसके पीछे पीछे भागा बहुत दूर तक भागा बट टाइगर को पता ही नहीं चला कि वो बहुत दूर आ गया है उसने फ्रॉक को पकड़ लिया एंड देन बड़े मज़े से पीछे मुड़ा मम्मी को दिखाने के लिए कि मम्मा देखो मैंने फ्रॉक पकड़ा बट उसकी मम्मा थी ही नहीं वहाँ पर क्यों क्योंकि टाइगर बहुत दूर आ गया था इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर बिगर दैन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल अब पूरे जंगल में सिर्फ मम्मा टाइगर एंड बेबी टाइगर तो नहीं है न और भी टाइगर है अब जैसे ही हमारा बेबी टाइगर मुड़ा उसने पीछे एक बड़ा सा टाइगर देखा अपनी मम्मा से भी बड़ा टाइगर आपको क्या लगता है उसे कैसा लगा होगा मैं तो डर गई होती बहुत

ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे उसके हाथ से फ्रॉग छोड़ दिया उसने द टाइगर टू द लिटिल है वो धीरे धीरे छोटे टाइगर की तरफ आगे आगे बढ़ने लगा बट अ रोर फिल्ड द जंगल द रोर ऑफ द मदर टाइगर बट जैसे ही ये टाइगर बेबी टाइगर के पास आ रहा था तभी जंगल में एक Wow, आवाज आई बहुत जोर से किसकी आवाज थी मम्मा टाइगर की शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे मम्मा टाइगर बहुत ब्रेवली आके इस बड़े टाइगर के सामने खड़ी हो गई एंड ये जो दूसरा वाला टाइगर था वो भाग गया ठीक है द मदर टाइगर लाइक टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर टू टेल ऑल दी अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देर ममा टाइगर बहुत जोर से रोर करती थी कभी कभी क्यों करती थी क्योंकि उनको बताना था कि मैं हूं जंगल में ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे जैसे ही मदर टाइगर रोर करती थी सारे जंगल के एनिमल्स समझ जाते थे कि ओ oh, ममा टाइगर है वहां पे चलो यहां से निकलो जल्दी और सब भाग जाते थे दैट टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर अलाउड टाइगर कब टू टेल ऑल अदर्स अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर अब जैसे मम्मा टाइगर कर रही है वैसे ही हमारा जो बेबी टाइगर है इसको भी बहुत मजा आता है रोर करने में आपको लगता है मम्मा टाइगर जितना स्ट्रोंग रोर होगा इसका नहीं ये भी बेबी है तो इसका छोटा सा रोर होता है बट उसको अच्छा लगता है ताकि सबको पता चले कि मैं हूं यहां पे बट ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रैन अवे बेबी टाइगर का रोर सुन के कोई नहीं भागता था उनको डर भी नहीं लगता था बट देर केम अयर वेन दस स्मॉल टाइगर कब अ फुल ग्रोन टाइगर फिर कुछ टाइम बाद एक ऐसा साल आया जब हमारा बेबी कब एक बड़ा टाइगर बन गया फुल ग्रोन मतलब एकदम अडल्ट टाइगर बन गया ही वॉकड फॉर माइल्स अ लोन हंटिंग फॉर गेम एट नाइट वो सारे जंगल में घूमता रहता था सबको एकदम स्टाइल में घूमना है उसको सबको डर लगने लगा था क्यों क्योंकि अब तो वो बड़ा हो गया है पहले तो छोटा था ना बट अब वो बड़ा हो गया है तो फुल टशन में घूमता रहता था पूरे जंगल में एंड रात को शिकार भी करता था वेन ही रोड टू टेल ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर ऑल अदर एनिमल्स इन द जंगल केप फार फार अवे अब जब वो टाइगर रोर करता था आवाज करता था तब सब भाग जाते थे पहले कोई भागता था नहीं, कोई नहीं भागता था अब सबको पता है कि वो एक फुल ग्रोन टाइगर है अब उससे खतरा है तो सब लोग भाग जाते थे एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कब हियरिंग हिज ओन लाउड रोर स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल एक टाइम था जब कोई नहीं भागता था बट अब जब सब भाग रहे हैं तो हमारे टाइगर को समझ में आ रहा है कि पहले मेरा रोर कितना छोटा सा था और मैं बहुत जोर से रोर कर सकता हूँ ये सोच के वो एक हल्की सी स्माइल खुद को देता था एंड ये स्माइल कैसी थी और बेग टाइगर वाली स्माइल आपको स्टोरी कैसी लगी इजी स्टोरी है ना सबको समझ में भी आ गई राइट right? okay we'll see the summary the story is about a tiger cub and how he grows from being a small frightened cub to a fully grown strong tiger he just like the sound of his roar he also changes into a great big tiger <inaudible> आपको याद है ना स्टोरी में एक टाइगर उसके सामने आ गया था तो कैसे डर गया था वैसे ही सेम बात है आ, वो टाइगर जब छोटा था छोटे में थोड़ा सा डरा हुआ आ, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको नहीं पता था वैसे टाइगर से अब वो कैसा टाइगर बन गया है स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ब्रेव किसी से नहीं डरता ऐसा टाइगर ये स्टोरी में उस टाइगर का ग्रोथ बता रहे हैं कि कैसे पहले वो छोटा था फिजिकली मतलब देखने में पहले वो छोटा था फिर बड़ा हो गया उसी तरह पहले वो डरता था उसको समझ नहीं आता था बट लेटर ऑन वो एक ब्रेव स्ट्रांग टाइगर बन गया है ना स्टोरी ईजी है ना स्टोरी सबको समझ में भी आ गई सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय हेलो एवरी वन वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स आई एम टेस्ट एनाजोस एंड टुडे We will be doing the exercises for our story, Little Tiger, Big Tiger. हमने स्टोरी सुनी थी ना लास्ट टाइम अच्छी थी राइट right. हमने बेबी कब और एक मम्मा टाइगर के बारे में स्टोरी सुनी एंड कैसे द बेबी कब ग्रोज इन टू अ स्ट्रांग फुल ग्रोन टाइगर है ना? सो टुडे वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू वर्ड्स फर्स्ट वन इज शेरी शेरी मीन्स जंगल जंगल के लिए डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है शेरी मतलब थिक बहुत सारे ट्रीज जहां पर है जहाँ पे बहुत छाँव है ठीक है शेड मतलब पता है ना आपको शेड मतलब छाव वैसे ही शेरी जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है थोड़ी सी डार्कनेस है ठीक है बिलोड बिलोड मतलब अलाउड साउंड अलाउड साउंड उाउन लाउड साउंड यूजली एनिमल्स के लिए यूज होता है ठीक है नेक्स्ट वन ट्विच ट्विस्ट अपनी ट्विस्ट कर सकते हैं ना दैट इज कॉल्ड ट्विच पाउंट्स पाउंट्स मतलब झपटा मारना एनिमल्स को देखा है कैसे हंटिंग करते हैं चुपके चुपके से आके एकदम से झपटा मारते हैं दैट इज कॉल्ड पाउंसिंग ग्रांट ग्रांट इज ऑल्सो अ साउंड गेम गेम मतलब गेम मतलब यूजुअली गेम होता है मतलब जो आप खेलते हो बट स्टोरी में गेम का मतलब क्या है शिकार अगर टाइगर किसी चीज को खाने जा रहा है तो वो उसका गेम है ठीक है दो मतलब है गेम के। यहां पे आपका गेम का मतलब है शिकार ठीक है नेक्स्ट इज ग्लिस ग्लिसन मतलब शाइनिंग सन का रोशनी जब किसी चीज पे पड़ता है तो वो शाइन करता है ना दैट इज कॉल्ड ग्लिसनिंग रोड रोर इज ऑल्सो अलाउड साउंड किसका साउंड टाइगर का आपने देखा बेलोड ग्रांड रोड थ्री डिफरेंट वर्ड्स है बट उनके मीनिंग्स लाउड साउंड सेम है ठीक है डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट वॉइस होते हैं है ना डिफरेंट साउंड होते हैं लाइक कैट क्या बोलती है एंड डॉग बार्क है ना वैसे ही दीज आर डिफरेंट वर्ड्स दैट शो साउंड ओके नेक्स्ट इज फेसेंट फेजेंट इज अ बर्ड जंगल में मिलने वाला एक टाइप ऑफ बर्ड ओके फाउल फाउल इज ऑल्सो काइंड ऑफ बर्ड आपको समझ में आया विल रिपीट ओके शेडी मतलब डार्क बहुत ट्रीज वाली जगह बेलोड अ लाउड साउंड ट्विच मतलब ट्विस्ट पाउंस लाइक वाइल्ड एनिमल्स किसी चीज पे जाके वो झपटा मारते हैं ना दैट इज कॉल्ड पाउंसिंग देन ग्रांड गेम ग्लिस रोर फेसिट एंड फाउल सबको सारे वर्ड्स समझ में आ गए वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट take the correct answer where did the mother tiger and her small tiger cub live kaha the the mother tiger and small tiger kaha rehte the river ke pas, mountain forest Ya near a sea they lived in a forest so this will be your answer you have to take it. hai? Next one. What did the mother tiger hunt when the sky was dark? Mother tiger, kya hunt kati. Sheep and goats? Bhed bakri. Fish and frogs? Machli or frogs? Deer and pigs? डोंकी एंड horses. क्या लगता है हमने स्टोरी में क्या क्या पढ़ा हमने फिश एंड फ्रॉग्स भी पढ़ा हमने डियर एंड पिग्स भी पढ़ा बट इसमें से राइट कौन सा है लेट्स द स्टोरी अगेन द स्काई वेन द स्काई वॉज डार्क द मदर डी टाइगर हंटेड फॉर क्या है डियर एंड पिग्स सो वॉट विल बी वॉट विल बी यार एंसर डियर एंड पिग्स एंड मदर टाइगर बाकी चीजें कब हंट करती थी जब ये चीजें नहीं मिलती थी ठीक है सो द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग्स हमारा फर्स्ट वाला भी सी था सेकेंड वाला भी सी है द नेक्स्ट वन वॉट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट टाइगर कब ने एक दिन क्या पकड़ा डियर पिक फ्रॉग या कैट बताओ ही टू कोल्ड ऑफ अ फ्रॉग किसके पीछे पीछे भागा था फ्रॉग के एंड फ्रॉग हॉप हॉप करता हुआ निकल गया लास्ट में पकड़ भी लिया उसने है ना सो वॉट डिड द टाइगर कप कैच वन नाइट अ फ्रॉग वॉट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कप वेन ही चेस्ट द फ्रॉग हमारा जो छोटा बेबी टाइगर है उसके साथ क्या हुआ जब वो फ्रॉग के पीछे पीछे भागा था वाइल्ड कब वॉज चेजिंग द फ्रॉग ही टाइगर हमारा जो बेबी कब है बेबी टाइगर है वो फ्रॉक के पीछे पीछे भागता हुआ अपनी मम्मा से बहुत दूर आ गया एंड उसके सामने एक दूसरा बड़ा टाइगर आ गया जिसको देख के वो डर गया फ्राइटेंड मीन्स डर जाना वाइल्ड द कब वॉज चेसिंग द फ्रॉग चेसिंग मतलब पीछे 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 जाना फ्रॉग के पीछे पीछे जब कब जा रहा था तो वो पहले तो मम्मा से बहुत दूर आ गया एंड देन ही वॉज फ्राइटन टू फेस एन अदर टाइगर वो दूसरे टाइगर को देख के डर गया ठीक है नेक्स्ट व्हाट्स माय होम कॉल आप लोगों ने अपने घरों को नेम्स दिए हैं कुछ लोग होते हैं ना जो अपने घरों को नेम्स देते हैं रोज विला फिर फिर क्या हो सकता है संदीप बंगलो ऐसे नेम्स होते हैं ना वैसे ही एनिमल्स के घरों के भी नेम्स होते हैं आपको पता है लेट्स सी आपको कितने आते हैं द फर्स्ट वन इज अ बी लिव्स इन बी कहा रहता है बी हाइफ बी लिव्स इन बी हाइफ बी हाइव B E E बीईई एच आई वीई बी हाइफ ठीक है नेक्स्ट वन एंड एंट लिव्स इन एंट कहाँ रहता है एंट लिव्स इन एंट हिल ए एन टी एच आई एल एल एंट हिल Next is a duck lives in duck ka hai? Pond me. A duck lives in a pond. Pani Right? So a bee lives in beehive. An ant lives in ant hill. Duck lives in a pond.

टाइगर लिवस इन अ जंगल अ रैबिट लिवस इन अ बरो एंड अ स्पैरो ने सी द नेक्स्ट वन ओ कैन यू रीअरेंज मी आपको दिख रहा है राइट right साइड पे उल्टा पुलटा वर्ड्स दिया है आपको एनिमल्स के नेम्स पता करने इजी है. है ना लेट्स वन एस ई एम ओ यू क्या लगता है कौन सा एनिमल होगा कैल गिव यू अ फ्लू एक छोटा सा एनिमल है ये जब घर के अंदर आ जाता है ना तो मम्मी लोग बहुत गुस्सा करती हैं ये कभी कभी किचन में आ जाता है कभी कभी आपके कपड़े काट लेता है पता ही क्या है एम ओ यू एस ई माउस एम ओ यू एस ई माउस नेक्स्ट वन आर ई एस ओ एच एल गिव यू क्लू ये एनिमल बहुत हैंडसम होता है बहुत स्ट्रांग होता है एंड बहुत तेज भाग सकता है इसको रेस में यूज करते हैं आ गया एच ओ आर एस ई हॉर्स नेक्स्ट इज ओ आई एन एल द जंग किंग ऑफ द जंग कौन है इसकी रोर सुनते ही सब भाग जाते हैं सिम्बल क्या था लायन एल आई O N. Next is P E S H E. क्या लगता है ये एनिमल गोठ जैसा दिखता है बट इसके पूरे बॉडी में बहुत हेयर होता है वूल होता है जिसको निकाल के कपड़े बनते हैं वूल बनता है पता है क्या है s h e e p sheep s h e e p sheep okay easy than a okay next is r e d e आर ई डी बैम्बी एक कार्टून है किसी ने देखा है सिम्बा के साथ साथ ही आता था पता है वो क्या था बैमबी द डीयर डी ई आर डियर देन एल यू बी एल क्या होता है पता है इसको फार्म में खेत में यूज करते हैं बी यू एल एल बुल आपने बुल देखा है धिके कितना डरावना दिखता है ना राइट उसको हम फार्म में यूज करते हैं नेक्स्ट इज जी आई टी ई आर हमारी स्टोरी का हीरो क्या है टाइगर T I G E R, tiger. Next is F O L W. ये भी हमारी स्टोरी का ही एक कैरेक्टर है पता है? यस yes. ओके okay, इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो एक तो स्टोरी का कैरेक्टर बन सकता है एक एक और कार्टून बन सकता है मोगली का सबसे अच्छा दोस्त कौन सा एनिमल था डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ मोगली को किसने बड़ा किया था वुल्फ ने है so, ना सो डियर बुल टाइगर एंड वुल्फ ठीक है ना ओके विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट व्हाट्स माय किड कॉल्ड आपकी मम्मा आपको प्यार से क्या बुलाती है किसी को छोटू किसी को मुन्ना किसी को बेबी है ना अलग अलग नेम्स है ना सबके वैसे ही एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं उनके भी अलग अलग नेम्स होते हैं सो टुडे वी लर्न सम न्यू बेबी वर्ड्स फर्स्ट वन इज हॉर्स हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं किटन काफ कॉट कब पिगलेट, किड, डकलिंग या लैम्ब कॉट हॉर्स का बेबी को बोलते हैं कॉट ठीक है कॉल्ट नहीं बोलना है एल इज साइलेंट सो इट इज कॉट ठीक है नेक्स्ट इज डॉग डॉग के बेबी को ये तो बहुत इजी है ना सबको आता है पपी कैट कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? ये भी सबको आता है किटन काउ काउ के बेबी को क्या बोलते हैं? काफ कब पिगलेट किड डिंग या लैम। काफ काउ के बेबी को बोलते हैं काफ टाइगर ओ oh, नहीं सॉरी पिग 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 छोड़िया पिग को क्या बोलते हैं पिग तो यहां पे लिखा भी हुआ है ना पिग को बोलते हैं पिगलेट विनी दो दे कार्टून देखा है उसमें हमारे पास पिगलेट है देखा है ना छोटा सा पिग देन इज टाइगर टाइगर को कप ये तो हमने स्टोरी में ही सीख लिया देन शीप शीप के बेबी को क्या बोलते हैं लैम गोट गोट के बेबी को किड गोट के बेबी को बोलते हैं किड अब क्या रह गया डक एंड डकलिंग अंडरस्टूड नेक्स्ट टाइम आप जब सेंटेंस बोलोगे या कहीं पे कुछ बताना होगा तो आप क्या बोलोगे बेबी काउ बेबी डॉग बेबी डक नहीं यू विल से डकलिंग काफ कॉट किटन पिगलेट किड लैम है ना हमने बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे ना आप अपने सेंटेंसेस में इसको यूज़ करना ठीक है Now वॉट यू हैव वी हैव अ crossword. Crossword अच्छा लगता है सबको मुझे तो बहुत मजा आता है यहाँ पे आपके क्रॉस वर्ड के लिए कुछ एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं आपको क्लू uh, मिलता है ना हमारे क्लूज कहाँ हैं हमारे क्लूज यहाँ है ओके आई रीड आउट द क्लूज आप फटाफट आंसर बोलना ठीक है फर्स्ट वन इज नंबर वन इज आई गिव वूल वन इज आई गिव वूल वूल मतलब ऊन ऊन किस से मिलता है शीप से सो वी हैव द फर्स्ट वन डन हियर दैट इज शीप ठीक है नेक्स्ट सेकेंड वन इज आई एग्स, ये कौन है कौन है आई ले एग्स थ्री वर्ड्स मतलब कौन होगा एग्स कौन देता है एच ई एन है ना द नेक्स्ट वन थर्ड इज आई गिव यू मिल्क मिल्क कौन देता है ये देखो मिल्क कौन देता है थ्री कहा है थ्री यहां है मिल्क खाओ देता है सी डब्ल्यू इजी है ना नेक्स्ट वन आई कैरी लोड्स मैं भार उठाता हूं कौन भारी चीजें उठाता है डोंग की कहा है फाइव कहां है फाइव यहां है फाइव डी ओ एन के ई वाई डोंकी ठीक है डी ओ एन के ई वाई डोंकी नेक्स्ट वन आई ने ने किसकी आवाज होती है कौन ने करता है हॉर्स हॉर्स के वॉइस को बोलते हैं ने फोर का हमारा फोर तो यहां था है ना डी ओ एन के ई वाई डोंकी एंड फाइव डाउन हॉर्स एच ओ आर एस ई सॉरी नेक्स्ट आई आई एम मैं बेस्ट फ्रेंड मैन का बेस्ट फ्रेंड कौन है मैन का बेस्ट फ्रेंड कौन है डॉग सो सिक्स सिक्स का है सिक्स यहां है डी ओ जी डॉग आई बी आई लिव इन अटाई सेवन सेवन पी से स्टार्ट होता है आई लिव इन a sty। किसके घर को स्टाई बोलते हैं पिग के घर को तो P I G pig, right? Now two are left. Eight is I bleed. किसकी आवाज होती है bleed? मैं कौन करता है? Goat. G O A T goat. ठीक है? Now only one is left. I am the ship of the desert. कौन शिप ऑफ द डेसर्ट किसको बोलते हैं कैमल को सो सी ए एम ई एल कैमल ठीक है डिड यू सी ऑल द एनिमल्स वन इज शीप सेकेंड इज हैन वन वॉज शीप सेकेंड हैन थर्ड काउ फोर्थ कहां गया फोर्थ यहां फोर्थ इज डोंकी फिफ्थ हॉर्स सिक्स कहा है सिक्स डॉग सेवेन पेग एट गोट एंड नाइन कैमल आपने इन सब एनिमल्स को देखा है शीप हैं cow, डोंकी हॉर्स डॉग pig, गोट कैमल देखा है ना सो नाउ योर होमवर्क इज आपको इन सब एनिमल्स के पिक्चर्स फाइंड आउट करने हैं एंड इनके यूजेस पता करने हैं करोगे ना छोटा सा काम है सब आराम से कर सकते हैं. टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर मम्मा आपकी हेल्प करेंगी ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया है ना इजी था ना सबको समझ में आ गया ना ओके सो दैट वाज ऑल फॉर द एक्सरसाइजिस फ्रॉम द चैप्टर लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर आपको चैप्टर स्टोरी समझ में आ गया है आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए हैं आई होप आप सब लोग टाइम से एक्सरसाइजेस बुक में करोगे है ना सो वी मीट नेक्स्ट टेक केयर बाय बाय हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक डेड ब्रेन्स दिस इज टेस जोस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ पोएम पपी एंड आई पोएम का नाम सुनते ही पता चल रहा है कि कोई पेट ज़रूर है आप लोग के घर पे पेट्स हैं कौन कौन से हैं डॉग हो सकता है कैट फिर फिश पैरट फिर हेमस्टर रैबिट्स है ना बहुत सारे पेट एनिमल्स हो सकते हैं है ना आपको मज़ा आता है टाइम पास होता है ना उनके साथ उनके साथ खेलने को टाइम मतलब मजा आता है उनसे बातें करने में मज़ा आता है जिनके घर पे पैरट्स हैं आपके पैरट आपको वापस आंसर करते हैं जब आप उनको मिट्टू मिट्टू बोलते हो तो डू दे आंसर यू ठीक है वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम पेट बनाते हैं कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं कुछ पेट एनिमल्स होते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं आपको डिफरेंसेस पता है ठीक we'll है हमारे पोइट का नाम क्या है ए ए मिलने ए ए मिलने ठीक है मिलने मत बोलना ई को ए करने की जरूरत नहीं है मिलने ठीक है पोएम I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse. As I went walking, we got talking, horse and I. Where are you going to horse today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking. Puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I'll come with you, puppy, said I. Okay, so your poem is about a small little boy. Okay? योर पोइम इज अबाउट अ स्मॉल लिटिल बॉय हु वॉन्ट्स टू प्ले एक दिन एक छोटा सा बच्चा चल रहा था कहीं पे तो उसको एक मैन दिखता है तो वो मैन से पूछता है वेर आर यू गोइंग टूडे कहाँ जा रहे हो तो मैन क्या बोलता है आई एम गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड मैं विलेज जा रहा हूँ ब्रेड खरीदने तुम आ रहे हो मेरे साथ तो लड़का जो आपका छोटा चाइल्ड है वो क्या बोलता है नो 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 नॉट आई मेरे को नहीं आना है मैं नहीं आ रहा नेक्स्ट द बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग एंड फाइंड्स अ हॉर्स एक हॉर्स खड़ा हुआ होता है तो वो हॉर्स से पूछता है वेयर आर यू गोइंग टुडे आज तुम कहाँ जा रहे हो तो हॉर्स क्या बोलता है मैं हिल के ऊपर जा रहा हूँ क्यों हे खाने के लिए हे क्या होता है सूखा घास आपने गाय को देखा है ना खाता है ना सूखा घास हॉर्स बोलता है बॉय स्टार्ट वॉकिंग अगेन अब उसको कौन मिलता है एक छोटे से पपी एंड वो पपी से पूछता है तुम कहा जा रहे हो तो पपी कहता है आई एम गोइंग टू प्ले कहा हिल के ऊपर ठीक है तो अब तो पप्पी पूछता भी नहीं है कि तुम मेरे साथ आओगे या नहीं The boy says, okay, I am also coming. मेरे को भी आना है तो अभी तक कौन कौन मिला उसको मैन हॉर्स एंड पपी किसके साथ गया वो पपी के साथ क्यों क्योंकि उसको पपी के साथ खेलना था ठीक है पोएम इजी है ना विल डू इट अगेन आई मेट अ मैन As i went walking we got talking man and i Mechal chal raha man mila hum baatein karne lage kaun hum me and the man where are you going to man i said Menus man se pucha tum kahan ja down to the village to get some bread will you come with me no not i डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड मैं विलेज जा रहा हूं ब्रेड खरीदने के लिए तो मेरे साथ आओगे तो बॉय क्या बोलता है नो नॉट आई नहीं मैं नहीं आऊंगा आई मेट अ हॉर्स एज I वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई अब वो एक हॉर्स के साथ हॉर्स से मिलता है एंड horse उसको क्या बोलता है हॉर्स uh, से ये क्या पूछता है तुम कहा जा रहे हो तो हॉर्स का क्या जवाब होता है डाउन टू दिलेज टू गेट सम हे मैं विलेज जा रहा हूं अपने लिए थोड़ा सा हे लेने के लिए अपने लिए थोड़ा सा खाना लेने के लिए तुम चल रहे हो मेरे साथ तो वॉट डज द बॉय रिप्लाई नो नॉट आई मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट वो किससे मिल रहा है आई मेट अपापी एज आई वेंट वॉकिंग वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई अब वो नेक्स्ट एक पपी से मिलता है एंड पपी से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो पपी क्या कहता है अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले मैं हिल के ऊपर जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं रोल करूँगा एंड प्ले करूँगा तो बॉय क्या बोलता है ठीक है मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ है ना किसी भी पपी को मिल अगर आप पपी से मिलोगे तो ऑब्वियसली उसके साथ खेलने का मन तो करेगा ना जस्ट लाइक दैट हमारे पोइट को भी यही मन किया एंड वो पपी के साथ चला भी गया पोएम बहुत इजी है है ना एंड इसमें बहुत सारे राइम्स भी मिले आपको वील सी द समरी द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल बॉय हु वांट्स टू प्ले हमारा पोइट क्या चाहता था स्टार्टिंग से ही खेलना था उसको मस्ती करनी थी सो वाइल ऑन एस वे ही आस्क मैन where he was going, and he replies that he had to buy bread, and could not go with the boy. next the boy sees a horse, and asks where it was going, and it got, could not come with him, but the horse had to get some hay, and would not go with him. at last the boy sees a puppy, and asks it where was it going?

हमारे पोइट को तीन लोग मिले मैन हॉर्स एंड पपी मैन अपने साथ उसको लेके जाना चाहता था बट उसको नहीं जाना था क्यों मैन क्या कर मैन क्या करने जा रहा था ब्रेड खरीदने जा रहा था मैन ब्रेड खरीदने जा रहा था हॉर्स क्या करने जा रहा था हॉर्स हे लेने जा रहा था एंड पपी क्या करने जा रहा था पपी खेलने जा रहा था इसीलिए वो एक्साइटेड था एंड इसीलिए हमारा पोएट पपी के साथ निकल लेता है ठीक है इजी है ना समझ में आ गया ओके वॉट डू वी हैव नेक्स्ट वी हैव द न्यू वर्ड्स विलेज हिल ब्रेड है रोल प्ले इजी इजी वर्ड्स है ना ओके वील सी देम अगेन विलेज गाँव ठीक है विलेज मतलब गाँव हिल्स हिल पहाड़ ब्रेड खाना हे गाय जो भूसा खाती है दैट्स कॉल्ड हे सूखा हुआ घास ठीक है इज ड्राई ग्रास येलो कलर का जो ग्रास होता है ना वो रोल रोल करना ठीक है एंड प्ले टू प्ले ठीक है विलेज हिल्स ब्रेड हे रोल एंड प्ले ठीक है ना ओके नेक्स्ट इज एंसर मी आई इन द पोएम पोएम में आई कौन है द लिटल बॉय द पोएट है न पोएट पोएम कौन सुना रहा है एक बच्चा सुना रहा है सो आई रेफर्स टू द पोएट हु इज अ स्मॉल बॉय आई का मतलब कौन है यहाँ पे आई का मतलब है एक छोटा सा बच्चा जो पोएट है इस पोएम का नेक्स्ट वे वॉज द मैन गोइंग मैन कहाँ जा रहा था मैन ब्रेड लेने जा रहा था द मैन वॉज गोइंग टू दिलेज टू बाई ब्रेड द मैन वॉज गोइंग टू दिलेज टू बाई ब्रेड ठीक है ना वाई डिड इन द चाइल्ड गो विद द हॉर्स वो बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया द चाइल्ड डिट नॉट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग टू दिलेज टू गेट सम हे दॉर्स काम से जा रहा था उसको विलेज क्यों जाना था उसको हे लेना था इसलिए वो विलेज जा रहा था तो इसलिए बच्चे को उसके साथ नहीं जाना था वाई डेड द चाइल्ड गो विद द पापी अब पापी के साथ क्यों गया क्योंकि पपी कहा जा रहा था हिल के ऊपर खेलने के लिए जा रहा था द पापी वॉज गोइंग अप दिल्स

डॉबर मैन इसमें से कौन सा डॉग है आपके पास ओके नाउ आपका होमवर्क ये है कि आपको इन डॉग्स के बारे में टू सेंटेंसेस लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल जर्मन शेपर्ड अगर आप जर्मन शेपर्ड के बारे में लिख रहे हो तो क्या क्या लिखोगे फर्स्ट आप इसका ओरिजिन लिख सकते हो मतलब ये डॉग कहां से फर्स्ट टाइम आया था तो जर्मन शेपर्ड के तो नेम में ही जर्मन है तो वो जर्मनी से आया था सो इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम जर्मनी सेंटेंस वन हो गया ना आप इसी तरह इनके बारे में भी एक एक सेंटेंस लिख सकते हो सेकेंड आपको पता है जर्मन शेपर्ड की सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्या है वो बहुत अटेंटिव होते हैं या फिर बहुत न, क्या बोलते हैं उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं आपने जर्मन शेपर्ड को प्यारा प्यारा पपी जैसा देखा है या डरावना जैसा डरावना जैसा है ना वो बहुत एग्रेसिव होते हैं बहुत गुस्सा आता है उनको एंड अटेंटिव होना उनका सबसे अच्छा क्वालिटी है तो इनकी एक क्वालिटी क्या लिख सकते हो इट्स मेन क्वालिटी इज दैट इट इज री अटेंटिव आप कोई चीज सिखाते हो तो वो जल्दी सीख जाता है अटेंटिव ठीक है ये आपका जर्मन शेपर्ड के बारे में टू पॉइंट्स इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम जर्मनी एंड इट्स मेन क्वालिटी इज दैट इट इज वेरी अटेंटिव इसी तरह आपको बॉक्सर के बारे में टू सेंटेंसेस लिखना है डॉबर के बारे में टू सेंटेंसेस लिखना है एंड बुल डॉग के बारे में टू सेंटेंसेस लिखना है आप लिख सकते हैं ना आप अपने मम्मा की हेल्प भी ले सकते हो ठीक है दैट्स योर होमवर्क आई होप आप लोग करोगे ठीक है ना नेक्स्ट वन डू यू नो माई साउंड आपको एनिमल्स के साउंड पता है हम लोग जैसे बात करते हैं वैसे एनिमल्स का भी एक साउंड होता है ना आपको वो बताना है सो द फर्स्ट वन इज अर्स हॉर्स की आवाज को क्या बोलते हैं ने हॉर्स ने ठीक है डॉग डॉग बार्क्स अ डॉग बार्क्स अ शीप शीप क्या करता है अ शीप ब्लीट्स शीप भी ब्लीट करता है गोट भी ब्लीट करता है ठीक है कैट कैट का तो इजी है मैं है ना एलिफेंट एलिफेंट का वॉइस uh, है ट्राम्पिट्स एलिफेंट ट्राम्पिट्स टाइगर रोर है ना काउ काउ का क्या है मूज A cow moos, okay? A horse neighs. A dog barks. Okay. A horse neigh. A dog barks. A sheep bleats. A cat mews. elephant trumpets then a tiger roars and a cow moos ठीक है नाउ आप लोग को इन सबके वॉयसेस के बारे में याद हो जाएगा ना दे हैव अ सेपरेट नेम फॉर ईच एनिमल And you have to use those words. Want to do it once again? A horse neighs. A dog barks. A sheep bleats. A cat mews. Elephant trumpets. A tiger roars. And a cow moos. Now. यू हैव टू लिस्ट द डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो आपके घर पर रख सकते हैं जिनको आप टेम कर सकते हैं ट्रेन कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में मिलते हैं डरावने ठीक है सो यू हैव समीमल्स इन दॉक्सेस यू हैव टू लिस्ट देम अकॉर्डिंगली विल डू द वाइल्ड एनिमल्स फर्स्ट या फिर जैसे जैसे आपको वर्ड्स मिलते हैं विल कीप ऑन राइटिंग ओके जैकल जैकल वाइल्ड एनिमल है या डोमेस्टिक एनिमल है जैकल क्या होता है वुल्फ जैसा दिखता है सो इट इज अ वाइल्ड एनिमल सो जैकल नेक्स्ट इज फॉक्स फॉक्स इज वाइल्ड एनिमल जंगल में मिलता है ना फॉक्स देन यू हैव टाइगर टाइगर इज ऑल्सो अ वाइल्ड एनिमल नाउ डॉग डॉग आप घर पर रख सकते हैं ना उसको ट्रेन भी कर सकते हैं सो डॉग इज डोमेस्टिक नेक्स्ट इज काउ काउ भी आप घर पर रख सकते हैं इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल एलिफेंट एलिफेंट बोत में आ सकता है बट हम डोमेस्टिक नहीं बोलते एलिफेंट को एलिफेंट बहुत बड़ा होता है ना एलिफेंट को घर पर तो नहीं रख सकते है, है ना

भेंस वो वाइल्ड है या डोमेस्टिक है डोमेस्टिक है ना घरों में रखते हैं ना ठीक है जैकल फॉक्स टाइगर एलिफेंट एंड बेर आर वाइल्ड एनिमल्स एंड डॉग काउ शीप गोट बफेलो आर डोमेस्टिक एनिमल्स आपको डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स में डिफरेंस पता चला वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट में होते हैं उनको हम ट्रेन करके घरों में नहीं रख सकते डोमेस्टिक एनिमल्स को हम ट्रेन कर सकते हैं हमारे साथ रख सकते हैं उनके लिए छोटा सा घर अलग से बना के हम उनको रख सकते हैं अपने पास ठीक है सो इट वॉज ईजी राइट आपको याद भी रहेंगे ना डिफरेंस भी पता चल गया तो नेक्स्ट इज राइम आई विल बी गिविंग यू वन राइम एक आपको खुद लिखना पड़ेगा ठीक है लाइक हिल हिल के लिए एक अच्छा सा राइम बताओ जो सेम ट्यून करता हो हिल बिल एक आप खुद लिखेंगे एज अ होमवर्क हे डे फाइन शाइन गेट सेट यहां go मत लिख देना गेट सेट वेट लेट मेट ऐसे अलग वर्ड्स लिखना है ठीक है गोइंग गोइंग का क्या है रोइंग एंड द लास्ट वन इज हेयर हेयर का क्या लिख सकते हो केयर सो so, I have given you one, you have to write another one. Mm -hmm. Ticken Easy enough. Hill, bill. Hey, day. Find, shine. Get, set. Going, rowing. Hair, care. Ticket? Next one, one. Aap log you can take help from your parents. सो दैट वॉज़ योर पोएम आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गया है एंड अब उसके जो एक्सरसाइजेस हैं होमवर्क है आप बिल्कुल भूले बिना करेंगे है ना सो वी हैव कंप्लीटेड द पोएम एंड द एक्सरसाइज सो टिल वी मीट नेक्स्ट बाय बाय हेलो यंग चैम्स वेलकम टू माइ गड दिस द सिस्टर्स एनआरजोस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आर यूनिट सेवन फर्स्ट क्या है यूनिट सेवन में पोएम पपी एंड आई यू रिमेंबर द स्टोरी एज आई सेड प्लीज ओपन योर टेक्सट बुक्स कीप योर स्टोरी कीप योर पोएम इन फ्रंट ऑफ यू एक बार रीड करो देन यूल रिमेंबर की उस पोएम में क्या था ठीक है सो पपी एंड आई स्टोरी में पोएम में क्या था देर वॉज अ स्मॉल बॉयटेड टू प्ले Uh, वो चल रहा था रास्ते में उसको एक मैन मिलता है वो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो तो वो बताता है कि मैं ब्रेड लेने के लिए विलेज जा रहा हूँ देन उसको एक हॉर्स मिलता है वो कहता है कि मैं हे लेने के लिए विलेज जा रहा हूँ एंड देन उसको एक पपी मिलता है वो पपी से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो तो वो कहता है कि मैं हिल के ऊपर जा रहा हूँ खेलने के लिए सो so, वो बच्चा उसके साथ चला जाता है सो दैट वॉज योर पोएम रीड द पोएम ट्वाइस तो आपको पोएम याद भी याद आ जाएगा एंड उसकी स्टोरी भी याद आ जाएगी ठीक है सो वील स्टार्ट ऑफ थ आर एक्सरसाइजेस वेर वॉज द हॉर्स गोइंग इन द पोय अपना हॉर्स कहाँ जा रहा था दॉर्स वॉज गोइंग टू गेट समे ठीक है वो अपने लिए घास लेने जा रहा था सूखा हुआ घास लेने के लिए जा रहा था So the horse was going to get some hay. Next, where was the puppy going in the poem? The puppy was going over the hill to dance and play. पपी कहाँ जा रहा था पपी हिल पे जा रहा था किस लिए खेलने के लिए और डांस करने के लिए राइट right? ठीक है ना ठीक नेक्स्ट विच पेट डू यू लाइक द मोस्ट दिस इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर यू आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो बर्ड्स लिख सकते हो फिश लिख सकते हो एनिमल्स के नाम लिख सकते हो या कुछ भी जो आपका मन में है वो एनिमल का नाम आप लिख सकते हो जो आपको पेट पसंद है ठीक है होम डू यू मीट ऑन योर वे वेन यू कम आउट ऑफ योर होम आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कौन कौन रास्ते में मिलता है वेन वी कम आउट ऑफ आर होम वी मीट किस किस से आर फ्रेंड्स स्ट्रेंजर्स शॉपकीपर्स फिर एनिमल्स एक्सेट्रा मतलब ऐसे ऐसे ये, ये सब चीजें कौन कौन हमें कोई भी लोग मिलते हैं मतलब जिनको हम जानते नहीं हैं ऐसे लोग मिलते हैं फिर हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एनिमल्स मिलते हैं फिर वेजिटेबल पीप मैन न्यूज़पेपर मैन जो भी चीजें बेचते हैं वो लोग मिलते हैं ना सो वी मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स वेन वी कम आउट ऑफ दी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ठीक है सॉरी पीपल्स नहीं पीपल नेक्स्ट लुक एट द टू पिक्चर्स बिलो टिक मार्क द करेक्ट वे इन विच अनुज शुड ट्रीट हिज पेट्स आपको पेट्स को लात मार के भगाना चाहिए नो no, उनको प्यार करना चाहिए राइट right? सो दिस इज द राइट वे यू शुड ट्रीट योर एनिमल्स है ना नेक्स्ट ओके नाउ यू हैव एन एक्टिविटी आपके पास कुछ एनिमल्स हैं ठीक है उसमें से आपको डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को मार्क करना है समझे डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से जो पालतू हैं जो आप घर पे रख सकते हैं फार्म में रख सकते हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं जो खूंकार होते हैं ठीक है सो

हॉर्स डोमेस्टिक काउ डोमेस्टिक कैमल डोमेस्टिक अरे सब डोमेस्टिक ही आ गए इसमें चलो कोई नहीं ठीक है नेक्स्ट वुल्फ इट इज वाइल्ड एनिमल एलिफेंट एलिफेंट इज वाइल्ड एनिमल बट उसको हम टेम कर सकते हैं ठीक है सो वील कीप इट एज अ वाइल्ड एनिमल टाइगर वाइल्ड क्रोकोडाइल वाइल्ड किटन या फिर कैट डोमेस्टिक बुल डोमेस्टिक ठीक है सो नाउ लिज द सर्कल ओके हमने जो सर्कल किया वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स थे सो वील राइट द नेम्स ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स हियर वील स्टार्ट विथ विदीप कैट बुल और कौन था कैमल काओके एंड हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स थे ये हमारे डोमेस्टिक थे ठीक है और ये हमारे वाइल्ड है हमारे वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से थे लायन टाइगर और कौन था एलिफेंट लायन टाइगर एलिफेंट वुल्फ क्रोकोडाइल ठीक है सो यू नो वॉट आर द वाइल्ड एनिमल्स एंड यू डोमेस्टिक एनिमल्स है ना मैम को बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ये आप तो छोटे से पढ़ते आ रहे हो है ना अभी भी छोटे ही हो बट स्टिल और छोटे से पढ़ते आ रहे हो ठीक है सो यू कैन मार्क योर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड योर वाइल्ड एनिमल्स आप एक काम कर सकते हो कि कोई कलर पेंसिल लेके डोमेस्टिक एनिमल्स को एक कलर से करना वाइल्ड एनिमल्स को दूसरे कलर से करना एंड देन यू कैन लिस्ट इट आउट ठीक है ना जिटेबल सैलड सूप मिल्क डाल एनिमल्स ऑल्सो हैव देअर ओन स्पेशल डाइट्स वॉट डू एनिमल्स ईट टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट व्हाट दीज एनिमल्स ईट ओके आपके पास देखो कुछ चीजें दी हुई है ना मिल्क एंड बोन्स ग्रास एंड हे सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स कैक्टस एंड ग्रेन्स ये सब चीज़ें दी हुई हैं आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं इनको इसमें से क्या खाना अच्छा लगता है सो हे आई टेक यू ह्यर एंड आई लाइक टू ईट इसमें से क्या होगा ग्रास एंड हे नेक्स्ट इज काउ आई गिव यू मिल्क आई लाइक टू ईट काउ इसमें से क्या क्या खाता होगा cow grass and hay. Cow भी grass and hay खाता है फिर सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स भी खाता है ठीक है सो यू कैन राइट सेम ग्रासन भी यह, यहाँ पे भी ग्रासन है कंटिन्यू कर सकते हो नेक्स्ट इज शीप शीप ऑल्सो लाइक शीप हे आई गिव यू मीट एंड वुल्ड दे एंड आई लाइक टू ईट सेम शीप एंड शीप के लिए भी आप ग्रास है तो नहीं लिखोगे ग्रास लिख सकते हो देन पल्सेस सीरियल्स लिख सकते हो वेजिटेबल्स लिख सकते हो ठीक है के लिए वेजिटेबल्स ग्रास ओके नेक्स्ट इज हैन हैन क्या खाता है हैन ग्रेन्स खाता है आपने देखा है हेंस को दाने डालते सो ग्रेन्स so, खाता है हेन ग्रेन्स काउ हॉर्स ये सब ग्रास एंड शीप ग्रास वेजिटेबल्स हेन ग्रेन्स कैमल कैक्टस है ना हमने लायन एंड कैमल वाले चैप्टर में देखा था नाउ हे आई गिव यू मीट एंड माई हेयर एंड आई लाइक टू ईट गोट क्या खाता है ग्रास गोट क्या खाता है ग्रास ठीक है हे आई गिव यू मिल्क आई लाइक टू ईट बुल को क्या पसंद है बफ़लो को क्या पसंद है ग्रास और वेजिटेबल्स एंड हे ग्रास वेजिटेबल्स एंड यू हैव अ डॉग डॉग क्या खाता है मिल्क पीता है देन बोन्स देते हैं राइट मिल्क एंड बोन्स फॉर डॉग ठीक है लास्ट इज डोंकी हे आई कैरी योर लोड एंड आई लाइक टू ईट ग्रास एंड हे ग्रास एंड हे ठीक है ना ओके चलो हियर आर सम वर्ड्स से अलाउड दीज वर्ड्स एंड पेयर देम डाउन इन द सेम साउंड अच्छा राइमिंग वर्ड्स दो सेम साउंड वाले वर्ड्स को आप वर्ड्स को आपको मैच करना है ठीक है सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन डियर डियर को नंबर वन दे देते हैं डियर फीट वन सम पियर ब्रेक हियर One feet right tail made break right tail made some here dear pair okay. These are words. One together. So dear, okay. We shall write it here. Here dear here pair. ठीक है नेक्स्ट फीट 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 और कोई फीट है नहीं है सो फीट एंड फीट ओके वन वन One, one. Now, then pair, 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 pair. Right, right, dear, dear. Mm, right. राइट कैन यू नोटिस द वर्ड्स ये सारे वर्ड्स का स्पेलिंग अलग है मीनिंग अलग है बट दे साउंड सेम राइम भी नहीं दे साउंड सेम देन ब्रेक 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 दूसरा ब्रेक का है ब्रेक एंड ब्रेक ब्रेक एंड ब्रेक एक ब्रेक है गाड़ी का ब्रेक दूसरा ब्रेक है तोड़ने का ब्रेक सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस मैम ने कितने कर दिए मैम ने सिक्स कर दिए ठीक है आपको बोलना है वर्ड्स को एंड देन यू हैव टू फाइंड कि सेम साउंड किसका है राइम नहीं सेम टू सेम साउंड डियर डियर फीट फीट राइट राइट वन वन ब्रेक ब्रेक देखा सारे साउंड सेम है बट मीनिंग्स और स्पेलिंग्स आर डिफरेंट सो यू हैव टू से इट अलाउड एंड देन राइट इट ओके सिक्स मैम ने कर दिए बाकी वन टू थ्री फाइव सिक्स और होंगे सो यू हैव टू डू दोस ठीक है बहुत ईजी है जो आप कर देते हो उनको क्रॉस आउट कर देना देन यू यू विल हैव लेस वर्ड्स टू फाइंड इट आउट ठीक है ओके आपके लिए स्पेस यहाँ पे थी ठीक है नो प्रॉब्लम नाउ फिल इन द ब्लैंक्स एंड विद द करेक्ट विद द करेक्ट वर्ड्स दैट यू हैव रिटन अबव आपने जो वर्ड्स ऊपर लिखे ना उनके हेल्प से आपको द ब्लैंक करना है रीना वांट्स मोनो टू कम डैश एंड प्ले कम हियर एंड कम हियर इधर आना है या सुनना है कम हियर मतलब यहां आके खेलना है नेक्स्ट सुनीता सॉ अ ब्यूटिफुल डियर या डियर डियर मतलब ई ए आर प्यारा डी ई आर हिरन अ so डियर। रम्या हैज वन और वन और गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स रम्या को एक गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में मिला या उसने जीता उसने जीता हैजन मैथमेटिक्स सम्स आर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट मैथ्स के जो सम्स होते हैं वो ये वाला सम है या ये वाला सम है एस यूएम है ना राइट right. Next is Binu dash made made a cup of strong tea. Binu ne a uh, strong cup of tea banaya. Abo ye, ye made hai ye made hai? Ye made hai. Usne banaya. So the sounds are same, the spellings and the meanings are different. Read the poem and underline all the words ending with ing.

इसमें तो कोई होमवर्क नहीं था यू कैन डू इट योर सेल्फ जो अंडरलाइन राइम वर्ड्स ढूंढने थे डू इट ठीक है राइम वर्ड्स नहीं है दे साउंड सिमिलर ठीक है दे हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स सो दैट वॉज ऑल इन दिस यूनिट वील डू द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वील डू इट नेक्स्ट टाइम टिल वी मीट नेक्स्ट बाय बाय टेक केयर हेलो यंग चैम्स वेलकम टू मैगनेट ब्रेन्स दिस इज टेस्ट एनर्जोस एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी स्टोरी क्या थी लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर ठीक है वी आर डूइंग अ वर्कशीट सो वी आर कंटिन्यूइंग विद डैट वी हैव डन आ पोएम सो प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलो एक बार स्टोरी रीड करो सो दैट यू रिमेंबर वॉट द स्टोरी वॉज वील जस्ट रन थ्रू द स्टोरी स्टोरी याद है आपको वी हैड अ जंगल एक बड़ा सा जंगल था एंड वी हैड अ बेबी टाइगर एंड अ बिग टाइगर एक बेबी टाइगर एक मम्मा टाइगर थी है ना एंड मामा टाइगर बेबी टाइगर को बहुत दूर नहीं जाने देती थी कभी क्या करती थी जैसे ही टाइगर थोड़ा सा दूर जाता था मम्मा एक छोटा सा ग्राउल करती थी सो बेबी टाइगर को समझ में आ जाता था कि ये ऐसा गुस्सा हो रही है तो वापस आ जाता था एक दिन क्या होता है रात में जब दोनों सो रहे थे बेबी टाइगर ने देखा कि मम्मा टाइगर तो सो रही है तो वो चुपके से मम्मा टाइगर के पास से दूर चला जाता है चलता 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 कहाँ पर पहुँचता है एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उसको कौन दिखता है एक फ्रॉग दिखता है एंड वो हैप्पीली टर्न बैक करता है मम्मा को दिखाने के लिए कि देखो मम्मा मेरे को फ्रॉग मिला बट उसने क्या देखा कि वो बहुत दूर आ गया है एंड जैसे ही उसको पता चलता है कि वो दूर आ गया वो डर जाता है एंड इधर उधर देखने लगता है इधर उधर देखते वक्त उसको कौन मिलता है एक बिग टाइगर है ना उसकी मम्मा जैसा बड़ा सा टाइगर एंड वो टाइगर बेबी टाइगर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड बेबी टाइगर धीरे धीरे पीछे जाने लगता है एंड सडनली क्या होता है उसको ममा टाइगर का ग्राउल सुनाई देता है एंड ममा टाइगर वहाँ पे आ जाती है ममा टाइगर का ग्राउल सुन के बड़ा वाला जो दूसरा टाइगर था वो वहाँ से भाग जाता है एंड ममा टाइगर बेबी टाइगर को लेके वापस घर पहुँच जाती है राइट right? तो स्टोरी आपको याद है ना टो कीप योर टेक्सट बुक्स ओपन रीड द स्टोरी टू टाइम सो देट यू रिमेंबर वॉट द स्टोरी वॉज ठीक है इट विल मेक इट इजियर टू गेट द आंसर्स जब आप वर्कशीट कर रहे हो तब ठीक है सो वील स्टार्ट ऑफ विद अ वर्कशीट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स टू होम डिड द टाइगर कप स्टे क्लोज टू जंगल में टाइगर कप किसके पास रहता था किसके साथ रहता था मम्मा टाइगर के हैं न the tiger cub stayed close to his mother है ना मामा टाइगर के पास रहता था सो टाइगर कब किसके पास रहता था ममा टाइगर के पास नेक्स्ट वॉट डिड द मदर टाइगर लाइक टू डू मदर टाइगर को क्या करना अच्छा लगता था एट नाइट वेन इट वॉज डार्क शी लाइक टू हंट मदर टाइगर लाइक टू हंट वेन इट वॉज डार्क याद है आपको वो क्या क्या हंट करती थी मंकी पिग्स फिश फिर फेजेंस uh, और, uh, और क्या क्या था डियर है ना ऑल द एनिमल्स सो ममा टाइगर को क्या करना पसंद था वॉट डिड द मदर टाइगर लाइक टू डू Mother Tiger liked to hunt when it was dark. Write the names of the animals you have read in the story. Like I said, open your books, read your story two times so that you know what you have to write during the worksheet. So, what animals the names of the animals? काकर मंकी और कौन कौन था फिश फ्रॉग पिग्स फेसेंट, और कुछ ओके okay. दीज आर वॉट आई रिमेंबर सो आप जब बुक रीड करोगे तो अंडरलाइन ऑल द एनिमल्स दैट यू आर रीडिंग एंड लास्ट में यू कैन फिल द एनिमल्स नेम, ठीक है एट इतने फाइव टू फाइव एनिमल्स तो लिखना ठीक है एटलीस्ट फाइव ठीक है और याद आते है तो और भी लिख सकते हो बट एट फाइव यू शुड बी एबल टू राइट सो वॉट ऑल दॉट आर ऑल दी एनिमल्स एम्बर डियर काकर डियर मंकी फिश फ्रॉप पिक एंड फेसिंस ओके नेक्स्ट हैव यू एवर सीन अ वाइल्ड एनिमल एनी आपने कभी कोई वाइल्ड एनिमल देखा है वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं जो जंगल में रहते हैं है ना सो हैव यू सीन एनी वाइल्ड एनिमल यू मस्ट हैव है ना टाइगर देखा होगा लाइन देखा होगा एलिफेंट uh, देखा होगा कहाँ पे इन अ जू राइट आपको रोड पे तो दिखेंगे नहीं दिखेगा क्या सो हैव यू एवर सीन अ वाइल्ड एनिमल एनी अगर देखा है तो येस अगर नहीं देखा है तो नो लिख देना ठीक है आई हैव सीन अ डैश अब डैश क्यू डाला क्योंकि मैम को नहीं पता आपने कौन सा एनिमल देखा सो यू हैव टू फिल इन द नेम ऑफ द एनिमल दैट यू हैव सीन ठीक है ना येस आई हैव सीन अ डैश इन दूके ना अगर जू नहीं लिखना है अगर आप कहीं सेंचुरी में गए या फिर कहीं आ, किसी पार्क में देखा नेशनल पार्क्स होते हैं ना वहाँ पे देखा तो फिल इन दैट यहाँ पे मैम ने ज़ू लिखा है तो ज़रूरी नहीं है आपको जू ही लिखना है यू कैन राइट सेंचुरी यू कैन राइट अ नेशनल पार्क और एनी वे यू हैव सी ओके ठीक है जहाँ ब्लैंक डाला है इट इज़ फॉर यू टू फिल सर्कल द एनिमल्स विच यू हैव सीन एट अ जू आपके पास कुछ एनिमल्स हैं आपको बताना है कि इनमें से आपने किसको जू में देखा है कर सकते हैं ना फर्स्ट वन इज़ अ काउ काओ को जू में देखा है कभी नो no. हॉर्स को जू में देखा है नो no. पीको को देखा है येस yes, पीको को देखा है ओके okay, सर्कल करने पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यू कैन जस्ट पुटर टिक ओके यू कैन जस्ट पुट अ टेक आपकी बुक में आप सर्कल कर लेना ठीक है एंड यू कैन यूज कलर पेंसिल्स ओके कैमल कैमल को देखा है जू में कुछ जूज होते हैं जहां पर कैमल्स होते हैं बट यूजली कैमल जू में नहीं होते नेक्स्ट राइनोसर यस, yes, जरूर देखा होगा राइनासोर को जू में ही देखा होगा नेक्स्ट इज अ डक डक को देखा है जू में नो no, डक्स को फ़ार्म में देखा होगा नेक्स्ट अ वेल वेल को जू में नहीं बट जो बिग एक्वेरियम्स होते हैं आपने देखे अंडर वॉटर वैसे वहां देखा होगा बट वी कैन मार्क इट मांकी ये अडिया स yes. सो so, इन सबको हमने जू में देखा है कौन कौन है वेल डियर मंकी आ, राइनोसर एंड पीकॉक ठीक है राइट ओके नेक्स्ट वॉट मस्ट वी डू इफ वी कम अक्रॉस अ वाइल्ड एनिमल टेक मार्क द करेक्ट आंसर अब आप रोड पे चल रहे हो और आपने एक वाइल्ड एनिमल देखा फॉर एग्जाम्पल हमने एक मंकी देखा तो आपको क्या करना चाहिए अगर जो चीज यहाँ लिखी है अगर वो करना चाहिए तो यू हैव टू पुट अ टिक मार्क नहीं तो आप छोड़ दो ओके सो द फर्स्ट वन इज आई वुड थ्रो अ स्टोन ऑन इट आपको रोड पे कोई बंदर दिखा तो आप उसको पत्थर मारोगे नो no, आप ऐसा नहीं करोगे है ना सो यू डोंट हैव टू पुट अ टिक आई वुड स्टैंड स्ट्रेट विदाउट डिस्टर्बिंग इट एक बंदर जा रहा है तो हम लोग रुक जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है तुम भाई चले जाओ देन आई विल वॉक यस आपको पता है जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तब अटैक करते हैं जब उनको लगता है कि उनको कोई खतरा है दे ओनली अटैक यू वैन दे फील टेरर या फिर दे दे फ्राइट ठीक है उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम उनको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है अगर उन वो लोग ओके ओके हैं तो वो कुछ नहीं करते सो इफ़ यू सी अ वाइल्ड एनिमल जस्ट हैव टू स्टैंड एंड टू नॉट डिस्टर्ब इट ठीक है ना ओके नेक्स्ट द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय मदर साइड वी लर्न दैट नेम ऑफ टाइगर्स बेबी इज मदर टाइगर्स बेबी इज कब लेट्स लर्न द नेम्स ऑफ एनिमल बेबीज आपको पता है जैसे ह्यूमन बेबीज बेबीज होते हैं वैसे ही अलग अलग एनिमल्स के बेबीज के अलग अलग नेम्स होते हैं ठीक है लाइक टाइगर के बेबी को कब बोलते हैं लायन के बेबी को भी कब बोलते हैं ओके okay? कैंगरू के बेबी को जोई बोलते हैं ठीक है ऐसे सो यू हैव एनिमल्स जिनके बेबीज के नेम्स आपको दिए हुए हैं सो वी विल सी देम अ बेबी डियर इज कॉल्ड अ फॉन अ बेबी डियर इज कॉल्ड अ फॉन A baby fish is called fry. A baby fish is called fry. A baby deer is called fawn. Okay. A baby pigeon is known as a squab. Baby pigeon ko kya bolte? Squab. So what are we know now? Um, baby fish is called a fry. Shall we write it down? We'll write it down. Fish. Fry. Pigeon. स्क्वैब और क्या था डियर डियर का क्या था फोन ठीक है नेक्स्ट लेट सी नाउ फाइंड आउट द फॉलोइंग एनिमल बेबी नेम्स योर सेल्फ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ योर हेल्प बॉक्स ओके यहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच के बेबी को क्या बोलते हैं चिक

मंकी के बेबी को क्या बोलते हैं इन्फेंट ह्यूमन बेबी को भी इन्फेंट बोलते हैं नेक्स्ट इज अ कैंगरू दिस कॉल्ड जोई राइट एंड अ काउज बेबी इज कॉल्ड अ है और पता है किसको काफ बोलते हैं आपके नीज़ के नीचे वाला जो पोर्शन है ना उसको भी काफ बोलते हैं जहाँ पे आप सॉक्स पहनते हैं ना सॉक्स वाला पोर्शन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द काफ ठीक है सो नाउ वी हैव द नेम्स ऑफ एनिमल्स बच्चे के ऊपर आ गया सब कुछ नो प्रॉब्लम फिश इज कॉल्ड फ्राई पिजन स्क्वेब डियर फॉर्न ऑस्ट्रिचिक वेल पप आउल आउलेट मंकी इन्फेंट कैंगरू जोई एंड काउ काफ ठीक है ये सिर्फ देखने के मतलब सिर्फ uh, चेक करने के लिए वी कैन डू इट आर सेल्स है ना कर सकते हैं ना तो लेट्स स्टार्ट और बेबी गोरिल्ला इज कॉल्ड एज नोन एज इन्फेंट बेबी गोरिल्ला इज कॉल्ड इन्फेंट बेबी कैंगरू इज नोन एज जोई बेबी कैंगरू इज नोन एज जोई बेबी ऑस्ट्रिच इज नोन एज चिक बेबी ऑस्ट्रिच क्या बोलते हैं चिक बेबी आउल आउलेट बेबी आउल आउलेट बेबी ऑक्स ऑक्स काफ काव बफलो ये सब एक ही कैटेगरी कैटल वाला ग्रुप है ना उनके बेबी इसको बोलते हैं काफ बेबी शार्क इज कॉल्ड पफ सो नाउ यू नो वॉट देबीज आर कॉल्ड ऑफ दीज एनिमल्स है ना इन एनिमल्स के बेबीज को क्या बोलते हैं ये आप जानते हो गलती नहीं करोगे ना भूलोगे भी नहीं डू वी रियली केयर ओके नाउ यू हैव अनादर क्वेश्चन सपोज यू आर गोइंग टू द मार्केट सडनली यू सी अन एंग्री बीटिंग अ पपी विथ अ स्लिपअप आप मार्केट जा रहे हो एंड आपने रास्ते में देखा कि आदमी एक छोटे से पपी को स्लिपर से मार रहा है वॉट वुड यू डू आप क्या करोगे आपके पास फोर ऑप्शन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम आप करोगे आई विल कीप ऑन डूइंग माई शॉपिंग मैं अपना शॉपिंग करता रहूंगा आई विल बीट द मैन विथ माई स्लिपर मैं उस आदमी को अपने स्लिपर से मारूंगा आई विल गो क्विक क्विकली गो काम डाउन द मैन एंड सेव द पपी मैं जाके उस आदमी से बात करके उसको सम, आ, काम करके काम डाउन करके पपी को सेव कर लूँगा आई विल कॉल द पुलिस एंड हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस मैं पुलिस बुला के इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दूंगा दिस इज़ मोस्ट फीसिबल है ना ये सबसे ठीक लग रहा है कि ओके हाँ बात कर सकते हैं एंड उस पपी की लाइफ सेव कर सकते हैं इस मामले में आप पुलिस बुलाओगे या फिर उस आदमी को मारोगे या फिर अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करोगे इससे अच्छा है कि एक बार उससे बात करके हम उस पपी को सेव कर ले है ना राइट नाउ पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट रो यू हैव सम एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स के नेम्स यू हैव टू पुट देम इन द करेक्ट रो फर्स्ट रो इज फॉर बर्ड्स सेकेंड फॉर एनिमल्स थर्ड फॉर इंसेक्ट्स ठीक है फर्स्ट इज ईगल ईगल इज अ बर्ड है ना ईगल बर्ड होता है ना Next is a caterpillar. Caterpillar kya Insect. Caterpillar is an insect. Next, elephant. Elephant is animal. Next is beetle. Beetle is insect. फिर क्या है पीकॉक पीकॉक इज अ बर्ड डोंकी डोंकी इज एन एनिमल डक बर्ड जीब्रा एनिमल एंड ग्रास अ इंसेक्ट ये तो आते हैं ना आपको है ना सो द बर्ड्स आर ईगल पी कॉक एंड डाक एनिमल्स एलिफेंट डोंकी जेबरा इंसेक्ट्स कैटपिलर बीटल एंड ग्रास हॉपर ओके आता है ना ये आई नो आता है ना यू हैव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पता है क्रॉस वर्ड्स ठीक है वील डू द क्रॉस वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विदर्स आपको क्लूज कहाँ दिए हुए हैं यहाँ नाव यू हैव टू जस्ट फिल इन द ब्लैंक विद the answers to the clues. The first one is letter box is of dash color. आपको पता है letter box कौन से color का होता है? देखा है आपने post office के सामने लगा होता है red. The first one is red. Now we hear through our आप कैसे सुनते हो through your ears e a r s next is frogs फ्रॉक्स क्या करते हैं एक कॉम्पिटिशन uh, होता है रेस होती है फ्रॉक जम्प या फिर फ्रॉक हॉप मतलब कूदनाज वेरी क्वेश्चन कैसे होते हैं बहुत हार्ड होते हैं नो दे आर वेरी सॉफ्ट नेक्स्ट जोकर इज ऑल्सो कॉल्ड जोकर को और क्या बोलते हैं सी एल ओ डब्ल्यू एन क्लाउन अप डाउन हमने क्रॉस कर लिया अप डाउन डैश हैज अ ट्रंक किसकी ट्रंक होती है ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट एंड लास्ट इज सन डैश इन द मॉर्निंग सन क्या कहता है मॉर्निंग में राइजेस सन राइजिस इन द मॉर्निंग So, you have done all the answers, right? Letter boxes of red color, we hear through our ears, frogs hop, cushions are very soft, joker is also called clown, elephant has a trunk, and sun rises in the morning. Easy, easy? Both easy, na? So, that was all in this chapter Little Tiger, Big Tiger. Sad exercises we have done. You just have to read the story at least twice so that you know the new words, you know the spellings, and you can write down the answers yourself. Okay? So keep your books open while doing the worksheets. So we'll see. Uh, we'll start our new chapter next time. Till we meet next, take care. Bye bye.